वेलकम टू वेदमी और आज हम शुरू करेंगे अल्टरनेटिव कॉम्प्लीमेंट पाथवे के बारे में। तो जो हमारी प्रीवियस वीडियो थी उसमें हमने पढ़ा था क्लासिकल कॉम्प्लीमेंट पाथवे के बारे में, तो आई होप कि वो आपको समझ में आ गया होगा। अब जो अल्टरनेटिव पाथवे है वो थोड़ा सा डिफर होता है क्लासिकल पाथवे से। वो कैसे डिफरेंट होता है वो अभी हमें पता चलेगा। तो यहाँ पर पहले मैंने आपको कुछ बेसिक पॉइंट मेंशन करे हैं। तो पहली चीज क्या है कि जो आपका अल्टरनेटिव पाथवे है वो एंटीबॉडी इंडिपेंडेंट पाथवे है, और ये चीज आपको अच्छे से याद रखनी है। इसीलिए ये अल्टरनेटिव पाथवे है आपका इननेट इम्यून रिस्पॉन्सेस का पार्ट। तो जो अल्टरनेटिव पाथवे है वो जनरेट करता है आपका C5b विदाउट एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्सेस। जैसे क्लासिकल पाथवे में एंटीजन एंटीबॉडी का फॉर्मेशन हो रहा था, यहां पर ऐसा कुछ नहीं होता। यहां पर एक दूसरा ही फिनोमिना होता है। क्या होता है वो मैं बताऊंगी आपको अभी। द पार्ट ऑफ इननेट इम्यून सिस्टम इन्वॉल्विंग C3, यहाँ पर कुछ फैक्टर डी होते हैं, फैक्टर बी होते हैं एंड प्रोपरडिन होते हैं। तो ये जो तीन यहाँ पे मॉलिक्यूल्स होते हैं, फैक्टर बी, फैक्टर डी एंड प्रोपरडिन, इनका बहुत स्पेसिफिक काम है अल्टरनेटिव पाथवे में, और ये ही इस पूरे पाथवे को क्या करते हैं, स्टेबलाइज करते हैं। एक्टिवेशन कैन बी ट्रिगर बाय द फॉरेन सेल सर्फेस कंपोनेंट। बोथ ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया जो है इस पाथवे को इनिशिएट करते हैं। C3 जो है वो स्पॉन्टेनियसली हाइड्रोलाइज्ड होता है यहाँ पर और प्रोड्यूस करता है C3A को एंड C3B को। एक्चुअली इस पाथवे की ब्यूटी ही यही है कि यहाँ पर जो C3 है वो स्पॉन्टेनियस हाइड्रोलाइज हो जाता है। जैसे हमने देखा था कि C3 का हाइड्रोलाइज क्लासिकल पाथवे में कैसे हुआ था, C1Q पहले बाइंड किया था, CS ने आपका C4 and CB को एक्टिवेट किया था और आपका बना था C3 कन्वर्टेज। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं होता, यहाँ पर दूसरे तरीके का बनता है C3 कन्वर्टेज, लेकिन वो दूसरे कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन का पार्ट है। C3B कैन बी बाइंड टू द फॉरेन सेल सरफेस आर होस्ट सेल, और ये रेपिडली इनएक्टिवेटेड हो जाती है। क्यों? क्योंकि जो आपकी होस्ट सेल्स है उसके पास स्पेसिफिक प्रोटीन प्रेजेंट होते हैं, एसिड प्रेजेंट होते हैं, साइलिक एसिड, और ये जो है ये बेसिकली आपकी C3B प्रोटीन जो आपके कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन का सेंटर पार्ट होता है उसको इनएक्टिवेट करते हैं। तो इसीलिए यहाँ पर ये फैक्टर बी और फैक्टर डी काम करते हैं इसको स्टेबलाइज करने के लिए। तो अगर आप ग्राम पॉजिटिव एंड नेगेटिव बैक्टीरिया की बात करें तो उनके पास कुछ स्पेसिफिक एसिड होते हैं जैसे सैलिक एसिड, और ये सैलिक एसिड जो है वो इनएक्टिवेट कर देते हैं C3B को, या रेगुलेटर है C3B के। तो इसीलिए यहाँ पर स्पेसिफिक जो आपके फैक्टर है बी एंड डी काम करते हैं, कैसे वो मैं बताऊंगी। प्रोपरडिन स्टेबलाइज करता है C3B and BV कॉम्प्लेक्सेस को, और इसकी हाफ लाइफ को भी एक्सटेंड करता है एंड इंक्रीज करता है C3 एक्टिवेशन। अल्टरनेटिव पाथवे कैन रैपिडली डिपॉजिट ओवर 2 मिलियन C3B मॉलिक्यूल्स ऑन एंटीजेनिक सर्फिस विद इन अ मिनट। तो आप सोच सकते हैं कि एक कोई ग्राम पॉजिटिव या ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है कोई उसके ऊपर जो एंटीजन सर्फेस है, तो अल्टरनेटिव पाथवे 1 मिनट में 2 मिलियंस ऑफ C3B मॉलिक्यूल्स को डिपॉजिट करता है। क्यों? क्योंकि इस पर ये जो सैलिक एसिड है ये इनको जल्दी से जल्दी इनएक्टिवेट कर देता है ना। तो ये सारी एक बड़ी अच्छी ब्यूटीफुल प्रोसेस है, एक एक करके मैं ये आपको समझा दूंगी। फिर आपका जो C3B और BV जो है वो जनरेट करता है आपका C3 कन्वर्टर, और C3 कन्वर्टर जो है वो बेसिकली C3B, BV and C3B का फॉर्मेशन करता है, जो कलेक्टिवली है आपका C5 कन्वर्टर, और C5 कन्वर्ट से वो C5B जनरेट होगा, A जनरेट होगा, और इस तरीके से आपका पूरा मेम्ब्रेन अटैक कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होता है। अब इसको मैं डायग्राम के थ्रू आपको दिखा देती हूँ तो आप इससे समझ जाएंगे। तो सबसे पहले मैंने क्या बताया कि यहाँ पर प्रोसेस बिल्कुल वही होगी। प्रोसेस कैसी होगी, ये जो प्रोटीन है ये आपके कहाँ, लीवर में सिंथेसिस होगा इनका, ये फिर आपकी ब्लड वेसल्स में आएंगे, और जहां पर भी जैसे अगर आपका इस टिश्यू एरिया में डैमेज है तो ये फिर आपके इस टिश्यू में चले जाएंगे, डैमेज एरिया पे चले जाएंगे। तो ये तो आपको पता है डैमेज सेल कीमोकाइंस का सिक्रेशन करेंगे, फिर उसके बाद वैसोडाइलेशन होगा, एंडोथेलियल सेल्स कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगे, प्रोटीन जो है कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन वो इजिली आपके डैमेज साइट पे आ जाएगा। लेकिन यहाँ पर जो C3 प्रोटीन आया है, आएंगे सारे प्रोटीन, C1 भी आएगा, C2 आएगा, C3 आएगा, C4 आएगा,
लेकिन C1 का आप यहाँ पे कुछ काम ही नहीं, क्योंकि C1 तब बाइंड करेगा जब उसके पास एफसी पोर्शन होगा एंटीबॉडी का, अदरवाइज C1 की क्यू यूनिट कहीं बाइंड ही नहीं कर पाएगी। तो ऐसी तो यहाँ फैसिलिटी होती नहीं। तो होता क्या है कि जो C3 प्रोटीन यहाँ पर आया हुआ है उसमें स्पॉन्टेनियसली हाइड्रोलाइज वो कर जाता है। जैसे ही वो टूटता है तो वो 2 पार्ट्स में डिवाइड करता है, C3B प्लस C3A। लेकिन ये जो आपका C3B है ये बहुत लेस स्टेबलाइज्ड है, इसीलिए ये लेस स्टेबलाइज्ड है क्योंकि ये है आपका लेस स्टेबलाइज्ड। अब ये इसीलिए आपका लेस स्टेबलाइज्ड है क्योंकि ये किसी के साथ बाइंड ही नहीं किया है, ये फ्री है। तो इसको स्टेबलाइज कौन करेगा? फैक्टर बी। अब क्या होगा, ये जो आपका C3B है तुरंत ही इससे बाइंड करेगा फैक्टर बी। अब फैक्टर बी को कौन स्टेबलाइज करेगा, क्योंकि फैक्टर बी अभी कैसा था, वो तो ब्लड में था, इनएक्टिवेटेड फॉर्म में था। तो अब आएगा आपका फैक्टर डी जो आपके फैक्टर बी को क्या करेगा, क्लीप करेगा। तो आपका कॉम्प्लेक्स क्या बनेगा, जो आपका ये फैक्टर बी है जो फैक्टर डी के थ्रू क्लीप होगा, तो क्या बनेगा, BA एंड BB। तो ए जो है वो फ्री हो जाएगा और आपका जो BB है वो C3B एंड BB आपस में जुड़ जाएंगे। तो जब ये जुड़ेंगे तो ये जो आपका होता है दैट इज कॉल्ड C3 कन्वर्टेज। C3B एंड BB आपका होता है C3 कन्वर्टेज, और C3 कन्वर्टेज किसके थ्रू स्टेबलाइज होगा, प्रोपरडिन के थ्रू। तो C3 कन्वर्टेज प्लस प्रोपरडिन इसको स्टेबलाइज करेगा, और C3 कन्वर्टेज के थ्रू ये जो है आपका कन्वर्ट करेगा C3 को कहीं में, C3A में प्लस C3B में। तो ए अगेन आपका फ्री होगा और ये जो बी होगा ये आपका बाउंड करेगा। तो क्या बनेगा अब आपका, C3B BB एंड C3B, मतलब ये वाला जो है ये आपका बनेगा। तो ये आपका क्या कहलाएगा, ये कलेक्टिवली कहलाएगा C5 कन्वर्टेज। ये C5 कन्वर्टेज है, ठीक है, C5 कन्वर्टेज। C5 कन्वर्टेज आपका कैसे बना, C3B से BBC प्लस C3B, ये है आपका C5 कन्वर्टेज। और वहां पे कौन सा था, वहां पे दूसरा था, क्योंकि वहां पर कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन 2 एंड 4 ने पहले पार्टिसिपेट पड़ा था जिससे C3 कन्वर्टेज बना था, एंड 2, 4 एंड 3 आपस में मिलके C5 कन्वर्टेज बनाया था। लेकिन यहाँ पर हमें पता है 2 एंड 4 कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन पार्टिसिपेट नहीं करते, इसीलिए यहाँ पर जो C5 कन्वर्टेज है वो कुछ इस तरीके से कि C3B BB एंड C3B कंबाइंडली बनाते हैं C5 कन्वर्टेज, जो आपका कन्वर्ट करता है C5 को इनटू C5B प्लस C5A में। और ये जो C5A है ये फ्री हो जाएगा, एंड C5B आगे बनाएगा C6 से जॉइंट होगा, C7, 8 एंड 9, और ये आपस में मिला बनाते हैं आपके मेम्ब्रेन अटैक कॉम्प्लेक्स को, और फिर आपकी सेल लाइसिस हो जाएगी। तो अल्टरनेटिव पाथवे में बेसिकली क्या हुआ, यहाँ पर एंटीबॉडी का कोई रोल नहीं होता, तो सिंपली आपका C3 जो है स्पॉन्टेनियसली क्लीव होता है, ये पाथवे ही C3 से शुरू हुआ है। तो क्लासिकल पाथवे में जो हमारे C1 थे, C2 था एंड C4 था, वो इस पाथवे में नहीं पार्टिसिपेट करते, और इसमें जो C3 का फॉर्मेशन है वो कुछ अलग तरीके से होता है, जो बिल्कुल डिफरेंट होता है आपके C3 पाथवे से। लेकिन आपका जो मेम्ब्रेन अटैक कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन है वो सब में, चाहे आप क्लासिकल पाथवे की बात करें, अल्टरनेटिव पाथवे की बात करें, लेक्टिन पाथवे की बात करें, सब में सिमिलर होता है, क्योंकि C5B 6 7 8 9 सारे ये कंबाइंड होके आपके मेम्ब्रेन अटैक कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले स्पॉन्टेनियस हाइड्रोलिसिस हुआ C3 का, C3A C3B बना, C3B फ्री हो गया, बी ने अगेन फैक्टर बी से बाउंड करा, स्टेबलाइज हुआ, फैक्टर डी आया जिसने फैक्टर बी को क्लीप किया इनटू बीबी एंड बीए में, बीए अगेन फ्री हुआ, बीबी ने बाइंड करा आपके C3B के साथ, और C3B एंड बीबी आपस में मिलके बनाते हैं C3 कन्वर्टेज, जो अब C3 को कन्वर्ट करेगा C3A एंड C3B में, C3B BB BB एंड C3B बनाएंगे C5 कन्वर्टेज, और C5 कन्वर्टेज जो है C5 को क्लीप करेगा और बना लेगा आपका मेम्ब्रेन अटैक कॉम्प्लेक्स। तो ये बिल्कुल सिंपल सी कहानी थी हमारी अल्टरनेटिव पाथवे की, आई होप कि ये पाथवे आप समझ गए होंगे। फिर यहाँ पर मैंने आपको मेंशन कर दिए हैं कुछ पैथोजन या पार्टिकल्स माइक्रोबियल ओरिजिन, और यहाँ पर मैंने कुछ नॉन पैथोजेनिक मॉलिक्यूल्स को मेंशन करा है जो आपके इनिशिएट करते हैं अल्टरनेटिव पाथवे को।
तो हमने फर्स्ट स्लाइड में ही पढ़ा कि अगर हम माइक्रोबियल पैथोजेनिक पार्टिकल की बात करें तो ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया मेजरली एक्टिवेट करते हैं आपके अल्टरनेटिव पाथवे को। तो एग्जाम्पल क्या है, द मैनी स्ट्रेन ऑफ ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, लाइपोपॉलीसेकेराइड्स फ्रॉम नेगेटिव बैक्टीरिया, मैनी स्ट्रेन ऑफ ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, टिकोइक एसिड हो गया, फंगल एंड ईस्ट हो गया, सम वायरसेस एंड बैक्टीरिया। तो ये जो पूरी टेबल है ये आपको अच्छे से याद रखनी है, क्योंकि CSIR में जो आपका सेक्शन वी होता है उसमें इन्हीं टेबल से डायरेक्टली उठा के क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। तो आपको इनमें से कोई भी इन्फॉर्मेशन स्किप नहीं करनी है। फिर जैसे आपका आएगा नॉन पैथोजन, तो नॉन पैथोजन में मैंने मेंशन करा है ह्यूमन IgA, IgA एंड IgE कॉम्प्लेक्सेस, एंटीबॉडी नहीं एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्सेस की यहाँ बात हो रही। तो कंफ्यूज मत हो जाना, नहीं तो अभी कहोगे कि मैं कह रही हूँ कि एंटीबॉडी इंडिपेंडेंट होता है और ये एंटीबॉडी कैसे आ गई। तो ये बेसिकली क्या है, एक तरीके के इनिशिएटर है जो आपके अल्टरनेटिव पाथवे को एक्टिवेट कर रहे हैं, लेकिन क्या उस एंटीबॉडी के कॉम्प्लेक्सेस, जैसे अगर आप रेबिट या पिग में एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्सेस हो सकते हैं, कोबरा बेनम हो सकता है, हेटेरोलोगस रेथ्रोसाइट्स है, एनायनिक पॉलीमर्स होगा एंड प्योर कार्बोहाइड्रेट्स। तो ये नॉन पैथोजन इसीलिए कहा गया है क्योंकि ये किसी तरीके के पैथोजन नहीं है, लेकिन ये एज अ एंटीजन काम करेंगे फॉर द इनिशिएशन ऑफ अल्टरनेटिव पाथवे, और ये सारे आपके पैथोजेनिक मॉलिक्यूल्स हैं। तो ये टेबल आपको बहुत अच्छे से याद रखनी है, ये आपको बहुत यूजफुल होगी जब हम क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे तब भी। तो आई होप कि आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। आपने देखा कि हमने कैसे अल्टरनेटिव पाथवे का डिफरेंट डिफरेंट वो किस तरीके से डिफर होता है क्लासिकल पाथवे के, तो वो सारे एस्पेक्ट्स मैंने आपको बता दिए, कंप्लीट पाथवे बता दिया आपको अल्टरनेटिव सिस्टम का। तो आप इसको आराम से पढ़ लीजिए, जो भी कंफ्यूजन हो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जो हमारा अपकमिंग लेक्चर होगा उसमें हम लेक्टिन पाथवे के बारे में पढ़ेंगे, प्लस में हम पढ़ेंगे रेगुलेशन ऑफ कॉम्प्लीमेंट सिस्टम। तो आराम से इसको रिवाइज कर लीजिए, रिकॉल कर लीजिए, फिर नेक्स्ट में हमें PYQ भी सॉल्व करनी है जिससे आप इसको कर पाए। थैंक यू फॉर लिसनिंग।